कैसे हैं आप दोस्तों। आज मैं आपको बताने वाला हूं सैमसंग की एक ऐप के अपडेट के बारे में। जैसा कि आपने थंबनेल पे देखी होगा, उस ऐप का नाम है एल्ड्रॉइड ऑन डिस्प्ले। उस ऐप में एक नया अपडेट आया, नए अपडेट के साथ क्या नए चेंजेस किए गए आगे आपको बताने वाला हूं। आगे बढ़ने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, नोटिफिकेशन बेल आइकन को दबा दो, ताकि ऐसी नई अपडेट आपको सबसे पहले मिलती रहे। तो चलते हैं दोस्तों आगे। मेरा नाम सनी और आपका स्वागत है मेरे चैनल ऐसे टेक में। दोस्तों जैसा कि हमें बताया, मैं आपको बताने वाला हूँ ऑलवेज ऑन डिस्प्ले के नए अपडेट के बारे में। आप सकते हैं ऑलवेज ऑन डिस्प्ले ऐप के नए अपडेट के बारे में। जैसा कि आपने देख ही लिया होगा, उसके लिए जाना है आपको अपने मोबाइल के गैलेक्सी स्टोर में। गैलेक्सी स्टोर में जाने के बाद आप यहाँ पर देखेंगे आपको एक नया अपडेट मिल रहा होगा ऑलवेज ऑन डिस्प्ले के अंदर। ये ऑलवेज ऑन डिस्प्ले है क्या? लोग सोच रहे होंगे यार ये क्या चीज़ होती है ऑलवेज ऑन डिस्प्ले जिसमें एक नया अपडेट आया है। यहाँ पर आप नीचे की तरफ आएंगे तो सबसे पहले देखेंगे इस अपडेट का वर्जन नंबर 8.1.37.4। जिस अपडेट को रोल आउट किया गया था 8 मार्च, लगभग 1 मंथ हो गया है, और इसमें 37 MB का ये अपडेट आया था। तो इस अपडेट में क्या नए चेंजेस हैं, सबसे पहले मैं कर लेता हूँ अपडेट। इस अपडेट में क्या नए चेंजेस किए गए हैं, जैसा कि यहाँ पर देख सकते हैं, फिक्स फोनोमिया इन विच द AOD कुड नॉट बीन सीन इंटरमेंटली और इट स्टॉप वेरीफली। दिस फोनोमिया में बी अक्योर वेन कस्टमर हु हैव डाउनलोड गुड लक ट्राई टू सेट मैनी डिफरेंट क्लॉक थ्रू द क्लॉक फेस। मतलब कि इसमें क्या बक्स आउट फिक्स किए गए, अगर आपने क्लॉक फेस ऐप को, गुड लक की जो क्लॉक फेस ऐप है, उसके थ्रू कोई AOD को इंस्टॉल किया हुआ है, या उसमें से बहुत सारे आपने कुछ डिफरेंट डिफरेंट टाइप के AOD को अपने स्क्रीन पे अप्लाई किया हुआ है, उसके कारण क्या हो रहा था, कभी कभार तो ये कुछ ढंग से काम नहीं कर रहा था और कहीं चल रहा था तो बार बार स्टॉप हो जा रहा था। तो उस एरर को यहाँ पर फिक्स आउट किया गया है और अब ऑलवेज ऑन डिस्प्ले आप इजीली इसका यूज़ कर पाएंगे। तो ये यहाँ पर दिया गया है। तो उसको यूज़ करने के लिए आपको यहाँ जाना है सेटिंग पे। सेटिंग पे जाने के बाद आपको जाना है यहाँ पर लॉक स्क्रीन वाले ऑप्शन पे। लॉक स्क्रीन पे जाने के बाद आपको नीचे मिल जाएगा ऑलवेज ऑन डिस्प्ले का ऑप्शन, आपको उस पर क्लिक कर लेना है और क्लिक करने के बाद आप इसको ऑन कर सकते हैं। इसको ऑन कर देंगे तो ये ऑन हो जाएगा, जैसे कि मैंने लगा रखा है। टैप टू शो में शो ऑलवेज भी कर सकते हैं, शो एट शेड्यूल भी कर सकते हैं, शो फॉर न्यू के लिए भी यहाँ पर राउट कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप इसको यूज़ कर सकते हैं। क्लॉक स्टाइल यहाँ पर बहुत सारे दिए हुए हैं, जो भी आप क्लॉक स्टाइल लगाना चाहें, अपनी इमेज लगाना चाहें, तो भी आप यहाँ पर लगा सकते हैं। ये सब चीज़ें आपको यहाँ पर लगाने के लिए ऑप्शन दे दिए गए। आप चाहें तो यहाँ पर लगा लिए, लाइक जैसे कि आपने ये वाला लगा दिया क्लॉक में और यहाँ से आपने डन कर दिया। और जब मैं इसको ऑफ करके सिंपली एक बार टैप करूँगा, जैसे मैंने टैप पे लगा कर रखा है, तो वो वहाँ पर आपको शो हो जाएगा। तो ये होता है ऑलवेज ऑन डिस्प्ले वाला फीचर। इसमें आपको शो म्यूजिक इन्फॉर्मेशन चाहते हैं तो वो दिख जाएगी, स्क्रीन रोटेट पे और स्क्रीन रोटेशन पे वर्क करे ना करे वो भी आप सेट कर सकते हैं, ब्राइटनेस ऑटो कर सकते हैं। तो ये सब चीज़ें यहाँ पर दे दिया गया है। और चाहें तो अपनी फ़ोटो भी लगा सकते हैं, इमेज में जाएँ, गैलरी में जाएँ, जो भी आपने अपनी फ़ोटो चूज़ करना है वो ऑटोमेटिक ब्लैक एंड वाइट में चली जाएगी। यहाँ पर डन कर दीजिए और जब आप भी अपने मोबाइल को वापस वो टैप करेंगे, आपकी फोटो भी वहाँ पर दिख जाएगी। तो इस तरीके से ऑलवेज ऑन डिस्प्ले वर्क करता है। ओवरऑल ये बग्स फिक्स आउट के लिए किया गया है और इसमें सारे बग्स आउट को फिक्स आउट कर दिया गया है। तो थैंक यू दोस्तों, उम्मीद है कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद तो प्लीज़ लाइक जरूर करें, और अभी तक अगर आपने मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ताकि ऐसी नई अपडेट यार सबसे पहले आपको मिलती रहे। और यहाँ तक अगर आपने मेरी वीडियो देख ही लिए तो प्लीज़ यार कमेंट करके भी बता दो कि आपको ये मेरी वीडियो कैसी लगी। और अगर आप मुझे कोई सजेशन देना चाहते हैं किसी टॉपिक के बारे में, तो वो भी आप मुझे यहाँ पर कमेंट करके दे सकते हैं। तो थैंक यू दोस्तों।